subscribe to my YouTube channel Tanu Yashraj Kapil and hit the bell icon to never miss an update. वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी तनु और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एज यू कैन सी मेरे बालों की हालत कितनी खराब हो रखी है। एक्चुअली खराब नहीं है, बहुत अजीब से दिख रहे हैं बिकॉज मैंने अभी अभी शावर लिया है, बाल मेरे गीले हैं। तो आज हम बात करेंगे हीटलेस ओवरनाइट कर्ल्स के बारे में। मैं हीटलेस ओवरनाइट कर्ल्स कैसे करती हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं हीटलेस कर्ल्स करने के, बट जिस तरीके से मैं करती हूँ कर्ल्स वो सबसे ईजी तरीका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों को वो स्पाइरल वाले प्रॉपर कर्ल्स नहीं अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस बीची वेव्स हैं, तो मुझे बीची वेव्स बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ऑल्सो सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड अबाउट माई कर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम। मुझे काफ़ी लड़कियों के डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे, एंड उन लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैं अपने बाल कैसे कर्ल करती हूँ। बातें कम करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को थोड़ा गीला कर लेना है पानी से। अगर आपने हेयर वॉश किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अपने बालों पर ड्रायर नहीं मारा है, उसको थोड़ा सा मैंने गीला छोड़ा है। यहाँ पर मैंने कुछ रबर बैंड्स लिए हैं, वी नीड एटलीस्ट 6-7 रबर बैंड्स। तो चलिए कॉम करते हैं। डन। आप जो भी पार्टीशन लेते हैं आप वो पार्टीशन निकाल लीजिए। आपको पार्टीशन करना है। अभी दो साइड पे मेरे बाल आ गए हैं। अब सबसे पहले जिस साइड ज़्यादा बाल हैं, मतलब आप कोई भी साइड चूज़ कर सकते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये फ्रंट से मेरे फ्लिक्स हैं, तो इनको हम कर्ल नहीं करेंगे, इनको मैं हमेशा पीछे क्लिप कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पीछे क्लिप कर दिया है। मैंने थिक कर्ल्स चाहिए तो आप ज़्यादा बाल लें, अगर आपको पतले कर्ल्स चाहिए तो आप कम बाल लें, तो उसमें ज़्यादा ब्रेड्स बनेंगी। मैं यहाँ पर नॉर्मल जैसे मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे कर्ल्स करती हूँ। तो या एंड ऑल्सो इग्नोर माय ग्रेज बिकॉज मैंने टचअप नहीं लिया है हेयर कलर का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर इतने बाल ले लिए हैं, दिस मच। हाँ से मैं ब्रेड्स बनाने स्टार्ट करती हूँ। बहुत इजी, आई थिंक ब्रेड्स बनानी सबको आती है। जिसको ब्रेड्स बनानी नहीं आती वो भी सीख सकता है। आपको जैसे सपोज आपने बंच ऑफ हेयर लिए आपने, और इसमें सिर्फ आपको तीन पार्टीशन करने हैं, लाइक दिस, 1, 2 एंड 3 इक्वली करने हैं। अब इनको क्या करना है, इनको एग्जैक्टली जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। नीचे से ये निकाला और ये इसके ऊपर से, ये देखिए आप ऊपर से लोगे उसको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने रोक दी है बिकॉज मैं नीचे से थोड़े से बाल, थोड़े से अपने हेयर छोड़ना पसंद करती हूँ। मुझे थोड़े से ही नीचे से स्ट्रेट पसंद है। आप चाहे तो पूरा एंड तक कर सकते हैं, बट मैं इतना ही रखती हूँ। इसको अच्छे से टाई कर देना। वन छोटी इज डन। ओके, ये हो गई ना। एक काम करते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं। अब नीचे वाले बाल हमने सारे ले लिए, जितना आप ऊपर से लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सी आई शो यू। थोड़ी तो मेहनत लगेगी क्योंकि जितना आप ऊपर से लेते हैं ना उतना ज़्यादा आपके हाथ थकते हैं। टेम मैंने उतना ही छोड़ा है। इसको भी अब रबर बैंड से बांध देते हैं। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन एंड आई एम ऑलरेडी टायर्ड बिकॉज अब जितना ऊपर से लेते हो ना ये वाला हाथ आपका थक जाता है। थोड़े से बाल मैंने छोड़े, आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, डन। हाउ आर लुकिंग? ओके, सो लेट्स डू दिस साइड।
हैव टू टेल यू वन थिंग गाइज, जब से मैंने ब्रेड्स बनानी शुरू करी हैं मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, मेरे बहुत जल्दी बाल बढ़ने लग गए हैं। मेरे साथ हुआ है ये, मेरे बाल काफ़ी जल्दी बढ़े हैं इस प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज मैं हर दूसरे दिन ये ब्रेड्स बनाती हूँ। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो इस तरीके से आपके कर्ल्स बहुत अच्छे होंगे और दूसरा आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, तो दो दो काम हो जाएंगे आपके। इसको पीछे कर देते हैं ऐसे। अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो इनफैक्ट ड्रायर भी अवॉइड कीजिए रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना। मैं अपने बालों पे ड्रायर भी यूज़ नहीं करती हूँ, आई थिंक इसीलिए अभी थोड़े बचे भी हुए हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन कर्ल्स को करके सोना पॉसिबल है या नहीं। मैं चाहती हूँ आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे बताइए। इन फ्लिक्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ब्रेड्स को ऐसे खोल के रखने में, तो व्हाट आई डू इज यहाँ पे मैं एक रबर बैंड लगा लेती हूँ। आप ऐसे इन बालों को टक इन कर सकते हैं पीछे और बहुत ही आराम से सो सकते हैं। इसको अब आपको ओवरनाइट रखना है, मॉर्निंग में एटलीस्ट 12 आवर्स रखें, 12 आवर्स के बाद आप इनको खोल दें। कॉम्ब नहीं करना है आपको, सिर्फ इनको खोलना है, इनको अपने हाथों से सेट करना है आपको। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ कल मॉर्निंग में और दिखाती हूँ क्या रिजल्ट आता है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट गाइज। आप भी इसी तरीके से बहुत ही इजिली कर्ल्स कर पाएंगे। डू ट्राई दिस और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। And also don't forget to subscribe to my channel, which is Tanu Yashraj Kapil. Thank you so much for watching.